नित्य डिजाइन ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात की है सिटी फैशन मेंस वेयर सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स रूबरू श्री देवी थिएटर लाइफस्टाइल मेंस वेयर राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग रूबरू मालापल्ली मस्जिद जरूर तशरीफ लाएं माहे रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस टी शर्ट शर्ट ट्राउजर शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडर गारमेंट इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तियाब है क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जासिब नजर बना दे बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े शादी ब्याह दिगर तकारीफ के लिए शानदार कलेक्शन माहे रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ तो जरूर तशरीफ लाए सिटी फैशन सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स रूबरू श्री देवी थिएटर लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर रूबरू मालापल्ली मस्जिद सेल नंबर 9010456631 और 9948888980 फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम असली घी से तैयार करता किंग्स हरीस से लुत्फंदोज होने के लिए किंग्स हरीस सेंटर वाकई नस्तर फ्लावर हॉस्पिटल बोधनवट निजामाबाद तशरीफ लाए इंतजामिया ने बताया कि किंग सरीज सिर्फ 70 रुपए में सारी फिंग को सर्वरा की जाएगी इसके अलावा बादाम की खीर और खुबानी का मीठा सिर्फ 65 रुपए में फरोख्त किया जा रहा किंग सरीज खुबानी का मीठा और बादाम की खीर रोजाना शाम 4 बजे से दस्तियाब रहेगी पार्सल का खसूसी नज्म रखा गया है बाद अफ्तार रात देर गए तक हरीस के शौकीन असरा किंग सरीज तशरीफ लाकर लुत्फंदोज हो सकते हैं माँ दोस्त अहबाब और फैमिली के हमरा तशरीफ लाकर जायकेदार गर्मा गर्म असली घीजे तैयार करता किंग सरीज से लुत्फंदोज हो और पार्सल साथ ले जाए इंतजामिया किंग सरीज ने दावा किया कि जो इनकी हरीस एक बार खाएंगे वो बार बार खाने के लिए तशरीफ लाएंगे रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को फिर कुरान देता है बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को तोहफे में गुनाहकारों को रमजान देता है इतना अजीम देखो मेहमान आया है यानी फिर से माहे रमजान आया है नेकियों का मौसम है बहार माहे रमजान गम ख्वारी का महीना माहे रमजान कुरान का महीना माहे रमजान बख्शिश का महीना माहे रमजान वो सहरी की बरकत वो अफ्तार का नूर तो इस माहे मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माहे रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफ़सीरे कुरान क़िरातें कुरान तो हम्द व नात की महफिलें उल्मा के माहे रमजान के खुसूसी बयानात वो मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात बच्चों के लिए माहे सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं यानी 2400 घंटे माहे सियाम के खुसूसी प्रोग्राम नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفر و ضلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑاتے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائے گا، جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برتن سرکاتے رہتے ہیں اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ سب بلا تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برتنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے لے کر کھاتے ہیں۔ اسی طرح کفر و ضلالت کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے اور آخرکار وہ تمہیں ہلاک کریں گے، تمہاری جائیدادیں تباہ کریں گے، تمہارے مال و اسباب لوٹیں گے اور تمہیں خانمہ برباد کریں گے۔ اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان ان دشمنان دین کے سامنے چارہ ترکی کی طرح ہو جاؤ گے، جس کا جی چاہے گا تمہیں نگل لے گا۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کا ہمارے خلاف جمع ہونا اور ہم پر غالب آ جانا کیا اس سبب سے ہوگا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہوگے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاگ کی سی ہوگی جو دریا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں، یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعیف و سستی پیدا کر دے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں ضعیف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری، یعنی جب زندگی تمہارے لیے عزیز اور موت تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں۔ تفصیل سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ سی ایم ریلیف فنڈ غریب مریضوں کے لیے بے حد کارآمد، غریب اس اسکیم سے کارپوریٹ دواخانوں میں معیار علاج کرے حاصل، آر ٹی سی چیئرمین باجرے ٹی۔ रहबर फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से बोधन के जरूरतमंदों में 50 थैला बंडियों की मास साजो सामान, सदर जमीदुल मा बोधन अब्दुल हमीद साहेब के हाथों तकसीम। ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے، ماہ رمضان مبارک اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان، دوسرا عشرہ مغفرت کا، خوب مغفرت طلب کرے۔ کے قریب مہاراشٹرا آر ٹی سی بس نے دی بائک کو ٹکر، بائک پر سوار معصوم لڑکی جاں بحق، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ اسکیم غریب و مجبور مریضوں کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی، سی ایم ریلیف فنڈ سے پیچیدہ امراض کا شکار غریب مریض کارپوریٹ دواخانوں میں معیاری علاج حاصل کر رہے، آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گورنر کا بیان۔ شہر کے ونائک نگر رورل ایم ایل اے کیمپ آفس میں حقیقی درپلی ڈشپلی نسم آباد رورل منڈل کے عوام میں سی ایم آر ایف چیفوں کے رورل ایم ایل اے آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گورنر کیا تو تقسیم عمل میں آئے۔ اس موقع پر ایم ایل اے باجریڈی گورنر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی ایم کے سی آر کی جانب سے دیے جا رہے سی ایم آر ایف فنڈس کے اس تعاون کا علاج کروانے والے مستفید ہو، غریب عوام کے کارپوریٹ معالجے کے اخراجات کے لیے سی ایم کے سی آر نے اس اسکیم کا آغاز کیا تاکہ غریب عوام
कॉर्पोरेट मॉलेज से दूर न होते हुए अपने जानों की हिफाजत कर सके। सीएमआरएफ स्कीम के तहत कई गरीब इंसानों की हौसला अफजाई हुई। ऐसे नायाब स्कीम का आज तक देश भर में कहीं भी अमल में नहीं लाया गया। गरीब आवाम को इस स्कीम के तहत मुस्तफिद होने की उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आईसीडीएमएस चेयरमैन सामर मोहन, डिशपली जेपीडीसी इंदिरा, एमपीपी रमेश नायक, पार्टी मंडल सदर सीएस श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। देहातों की तरक्की से रियासत की तरक्की। देहातों को तरक्की पर लाने और शहरों से जोड़ने के लिए बीआरएस के बेमिसाल इकदामात। जेपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव का बयान। एटपली मंडल के 11वें वार्ड में जिला परिषद फंड्स के जरिए 3 लाख के फंड से ड्रेनेज के कामों का आगाज किया गया। इन कामों का जेपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, एमपीटीसी बाबा के हमरा संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सरकारी फंड्स के जरिए गांव में सीसी ड्रेनेज और सीमेंट सड़कों की तामीर को पहले अहमियत दी जा रही और मौसम के हिसाब से पहले पीने के पानी के लिए बोरवेल्स डाले जा रहे हैं। गांव में मकामियों की जरूरत के मुताबिक उनकी जरूरत को पूरा किया जा रहा। हल्का एमएलए शकील आमिर के ताउन से गांव को भी शहर बनाने की कोशिश की जा रही। सबसे पहले गांव के बुनियादी मसाइल की एक सुई अमल में लाई जा रही। इस प्रोग्राम में लैया यादव, महेंद्र व दीगर मौजूद थे। माँ एड़पल्ली मंडल केंद्र मरी ఏదైతే 10-11 వార్డులో మరి జిల్లా పరిషత్ ఎస్ఎఫ్సి నిధుల నుండి 3 లక్షల రూపాయలతోటి ఈ సీసీ డ్రైన్ నిర్మాణ పనిని ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి అయితే ఇది చాలా పెద్ద డ్రైను, ఇక్కడ చాలా రద్దీగా ఉండే ఏరియా కాబట్టి కాలనీ వాసులు చాలా రోజుల నుండి మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। మాకు ఇక్కడ డ్రైన్ చిన్నగా కావడం వల్ల వాటర్ బోక వివిధ రోగాలు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని చెప్పేసి స్థానిక ప్రజలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీటీసీ గారు సర్పంచ్ గారు మా దృష్టికి తీసుకురావడం వల్ల మరి ఈరోజు ఇక్కడ 3 లక్షల నిధులు కేటాయించి ఇక్కడ పనిని ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఏదైతే మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అని చెప్పేసి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాము। ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఏదో ఒక దగ్గర వర్క్ చేస్తూ మరి ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ ఇస్తా ఉన్నాము। దీనికి ఎల్లవేళలా సహకరిస్తున్న మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి, మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇలాగే గ్రామాలలో వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితేమి, పారిశుద్ధ్యం అయితేమి, ఇతరత్ర కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ మా ఎమ్మెల్యే గారి సిడిపి ద్వారా ఇంకా ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిరంతరం ప్రజలతో ఉంటూ ప్రభుత్వము ప్రజా సంక్షేమానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది। హాదసాతి తౌర్ పర్ గ్యాస్ సిలిండర్ మే గ్యాస్ లీకేజ్ యా ఆగ్ భడక్ జానే పర్ అవామ్ ఘబ్రాహట్ వో ఖౌఫ్ మే నా పడే బల్కి జరూరీ ఇక్తమాత్ సే నుక్సాన్ సే బచ్నే ఔర్ ఆగ్ పర్ ఖాబూ పానే కే లియే ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ కి జానిబ్ సే షౌర్ బేదారీ ప్రోగ్రామ్ కా ఇన్హిఫాద్। शहर के अरसापल्ली डिवीजन के पीएससी में फायर स्टेशन शाख की क्यादत में फायर सेफ्टी के मुताबिक शोर बेदारी फैली। अस्पताल में मौजूद एएनएम्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स को फायर ऑफिसर नर्सिंग रॉ में अपने अमले के हमरा आग लगने और उसकी रोकथाम व हिफाजत के मुताबिक शोर बेदारी फैली। इस मौके पर मेहमान खसूसी डीएमएनएचओ डॉक्टर सुदर्शन ने हिस्सा लेते हुए इस प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। घरों में पकवान के दौरान गैस सिलेंडर से आग भड़कने से उसकी रोकथाम के मुताबिक आगाही की। इस मौके पर डीएमएनएचओ सुदर्शन ने बात करते हुए बताया कि फायर एंड सेफ्टी की जानिब से गैस से होने वाले नुकसान, भड़कती हुई आग की रोकथाम के मुताबिक शौर बेदारी लाया जाना अवाम के लिए बहुत ही मुफीद मशवरे थे। इन छोटे छोटे बुनियादी मसाइल को आशा वर्कर्स हर एक घर में बतलाते हुए अवाम में शौर बेदारी लाए, जो उनकी अहम जिम्मेदारी है। फायर ऑफिसर नर्सिंग राव ने इस मौके पर बताया कि हर जुमे को एक एक गांव मंडलों का इंतखाब करते हुए फायर और सेफ्टी की जानिब से शौर बेदारी लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर पी मधुसूदन, सुपरवाइजर पद्मावती व दीगर मौजूद थे। यूपीएससी लो इदि नेशनल क्वालिटी असेसमेंट గురించి ఇది ఎన్నికైంది కాబట్టి దీంట్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి ధీటుగా ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, స్టాఫ్ అందరికి ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, ఇక్కడ సదుపాయాలని కూడా అప్డేట్ చేస్తున్నాము। అట్లాగే ఇది అంటే ఈ 4-5 రోజులలో ఎన్ఫాస్ అసెస్మెంట్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఢిల్లీ నుంచి టీం వచ్చి మనకు అసెస్ చేస్తారు కాబట్టి అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ఫైర్ సేఫ్టీ గురించి మనకు ఈ స్టాఫ్ అందరికి కూడా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వర్తించడం జరిగింది। ఇందులో ఫైర్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ శ్రీ నరసింహరావు గారు వచ్చి మన స్టాఫ్ అందరికి కూడా అంటే ఫైర్ ఒకవేళ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఎట్లా దాన్ని మెజర్ తీసుకోవాలి, ఎట్లా ఆర్పాలా, జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలనేది అన్ని మెటికులస్గా
అన్ని రకాలుగా డిమాన్స్ చేసి చూపించడం వారు వారి టీం మనకు చూపించడం జరిగింది చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ కి ఫాదత్ మే ముల్క్ తరఖీ కి సింత కామ్ సర్ హర్ పే ఘర్ కో మాలిక్ కే మకాన్ బనానా హి బీఆర్ఎస్ హుకుమత్ కా మక్సద్ मोरताड़ में 166 डबल बेडरूम मकान के लिए नामों का ऐलान अगर कोई मुस्तहिक गरीब अफराद जिन्होंने अभी तक दरख्वास्त दाखिल नहीं की वो फौरन दरख्वास्त दाखिल करें। मोरताड़ तहसीलदार ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहिक खानदानों में डबल बेडरूम मकान स्कीम का आगाज किया गया जिसमे बेघर खानदानों को मुफ्त डबल बेडरूम मकान की तकसीम अमल में लाई जाएगी इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से दरख्वास्त दी गई है इस दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करते हुए घर घर सर्वे किया गया जो बेघर अफराद अपने खानदान के साथ कई सालों से किराए के घरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे उनको इंक्वायरी करते हुए इस स्कीम के लिए मुंतखब किया गया मोरताड़ में 224 डबल बेडरूम मकान तामीर हो चुके हैं जिसमें से एलिजिबल 166 मौजूद है उनके नामों की लिस्ट को ग्राम पंचायत MPDO ऑफिस MRO ऑफिस पर चिस्पा किया गया अगर और कोई मुझसे गरीब खानदान के अफराद अभी तक दरख्वास्त नहीं दिए वो भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं इस दरख्वास्त का सर्वे करते हुए मुस्तहिक पाए जाने पर उनको भी डबल बेडरूम मकान दिए जाएंगे जो मुस्तहिक है उन्हें मकान दिए जाएंगे मोरताड़ MRO ऑफिस पर रब्त पैदा करें तेलंगाना गवर्नमेंट चेपट्टिन डबल बेडरूम स्कीम लो भागंगा मोरताड़ मंडलम लो कूडा డబుల్ బెడ్రూమ్ సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయడం జరిగింది మనకు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మన బాల్కొండ కాన్స్టిట్యూన్సీలో మన మినిస్టర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అక్కడ 224 డబుల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మాణం జరిగినాయి దానికి సంబంధించినటువంటి బెనిఫిషియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దరఖాస్తుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో దరఖాస్తు తీసుకొని ఆ వచ్చిన దరఖాస్తులలో డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఆ అర్హులను సెలెక్ట్ చేసి ఆ జాబితాను 166 మంది అర్హులు మనకు జాబితా వచ్చింది ఆ జాబితాను 29 తారీఖు నాడు వివిధ ప్లేసులలో అంటే గ్రామ పంచాయతీ పాత గ్రామ పంచాయతీ మళ్ళీ MDO ఆఫీస్ తహసీల్ ఆఫీస్ నందు ఆ లిస్టును రసూల్ సల్లల్లాహు తఆలా అలైహి వసల్లం నే ఇర్షాద్ ఫర్మాయా కి హర్ చీజ్ కి జకాత్ హోతీ హై ఔర్ జిస్మ్ కి జకాత్ రోజా హై చూంకి రోజా హర్ ముస్లిమాన్ మోమిన్ బందే పర్ ఫర్జ్ హై इस माहे सियाम में हम पूरे पूरे रोजे रखें और अल्लाह से मगफिरत तलब करें रोजा खुदा ताला का वो बाबरकत फरीजा है जिसको हक ताला ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन हक ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ता के बज़ात खुद रोजेदार को इनायत फरमाएंगे चुनाचे हदीस कदसी में इरशाद है रोजा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा नमाज वो रोज़ा सब इबादत अल्लाह ताला ही की है इसी को राजी और खुश करने के लिए सब इबादत की जाती है मगर रोज़ा एक अजीब खसूसियत अपने अंदर रखता है वो रिया और दिखलावे से बिल्कुल दूर चश्म अखियार गैरों की नज़र से पोशीदा सरापा इखलास और बंदा व माबूद के दरमियान एक राज है हत्ता कि इसका इल्म भी सही तौर पर बज़ रोज़ेदार की और इस ज़ाते अक्दस के जिसके लिए ये रोज़ा रखा गया है दूसरे शख्स को नहीं होता क्योंकि रोज़े की कोई ज़ाहरी सूरत और महसूस हैयत नहीं होती जिसकी वजह से देखने वालों को इसका इदराक और इल्म हो सके बखिलाफ़ दूसरी इबादत के कि इनकी एक ज़ाहरी सूरत भी होती है जिसके देखने वाले पर इबादत का इजहार होता है जब रोज़ा एक राज होता है रोज़ेदार और इसके दरमियान तो फिर इसके बदला और सवाब देने में भी यही मुनासिब था कि खुसूसी और राजदाराना तरीक़ा इख्तियार किया जाता जिसकी इतला फरिश्तों को भी ना दी जाती चुनाचे अल्लाह ताला बराहे रास्त बगैर किसी वास्ते के रोज़ेदार को इसका बदला अता फरमा देंगे बिखरेंगी रौनकें सहर वो अफ्तार की सुबह शाम इबादतों का जमाना है दुआओं का मौसम है मरहबा या माहे रमजान मरहबा है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का हर माहे सियाम की तरह इस माहे रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ
यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ प्रवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। नासरीन एक नजर वक्फे की ओर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यूडा लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामत साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मरतबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान इब्तदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए 9849431967 और 7396083 05 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मस्जिद खबरों की जानिब। रहबर फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से बोधन के मुस्तहकिन में गुरबा को खुद कफील और रोजगार से जोड़ने के मकसद से 50 ठेला बंडियों की मां साजो सामान बोधन जमीतुल मस सदर अब्दुल हमीद साहिब के हाथों तकसीम। एयर गार्डन फंक्शनल बोधन में हैदराबाद के साहिब खैर हजरात की रफाई तंजीम की जानिब से 50 ठेला बंडी गाड़ियां सामान और तराजू के साथ रोजगार से लगाने के लिए तकसीम किए गए। एक बंडी सामान के साथ 20,000 रुपये मालियत की है। इस तरह जुमला 10 लाख रुपये मालियत की गाड़ियां बिला तफरीक मजहब व मिलत 50 बेरोजगार हजरात में जमीतुल उलमा बोधन की निगरानी में तकसीम किए गए। बिलाशुबा इससे 50 गरीब खानदान रोजगार से वाबस्ता होते और खुद कफील होते। इंशाल्लाह ये हजरात इसके जरिए मेहनत करके दूसरों को गाड़ी दिलाने वाले बनेंगे। इसी तरह सूद की लानत से भी बचेंगे। गैर मुस्लिम भाइयों को भी बंडियां दी गई, उनमें से अक्सर लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी और बाज लोग सूद से पैसे लेकर गाड़ियों पर कारोबार करते थे। कुछ लोग अपना मकान और अपनी गाड़ियां रहन में रखकर इंटरेस्ट से पैसे लेकर गुजारा कर रहे थे। शहर के जिम्मेदार हजरात की गरीबों की निशानदेही पर और हैदराबाद के कारकुनों की तहकीकात के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में गाड़ियों के लिए 50 अफराद को मुंतखब करके गाड़ियां दी गई। अभी एक भी गाड़ी नहीं बची, सब गाड़ियां इंसाफ के साथ तकसीम हो गई। ये गाड़ियां बेचने की और किराए पर देने की और घर पर खाली रखने की इजाजत नहीं है, चूंकि गाड़ियां 50 थी और उम्मीदवार 200 थे। जाहिर बात है कि हर एक को नहीं मिल सकती थी। जिनको नहीं मिली इंशाल्लाह उनके लिए आइंदा जरूर कोशिश करेंगे। जिन गरीबों को गाड़ियां दी गई उनकी खुशी देखने के काबिल है, उनको ईद के जैसी खुशियां हासिल हुई। ये अपने पूरे खानदान में खुशी का इजहार करते हुए अफ्तारी तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के रोजगार के लिए गाड़ियां देने वाले बनाए। हैदराबाद वालों को टीआरएस कायद आबिद एडवोकेट ने कहा कि फॉर्म को मांगने वाला बनाने की बजाय काम करने वाला और देने वाला बनाना चाहिए। कोई इमदाद करके फॉर्म को लेने का आदि बनाता है तो ये कोई कमाल की बात नहीं, लेकिन अगर कोई फॉर्म को हुनर सिखाता है या रोजगार से जोड़ता है तो ये बहुत बड़े तारीफ की बात है। फॉर्म को भिखारी नहीं बनना चाहिए बल्कि कारोबारी बनना चाहिए और सफी बनना चाहिए। हैदराबाद के लोग बोधन में आकर यहाँ के मुस्तहिक लोगों को रोजगार से लगाने का जो काम किए वो बोधन की तारीफ में बहुत बड़ा कारनामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस काम के लिए मैं ज़ाती तौर पर बहुत मुतासिर हूँ और मुझे बे इंतहाई
खुशी हो रही है। जमीयत उलमा बोधन के कारकुनान भी इस खिदमत पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिन लोगों को गाड़ियां मिली है उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और देने वालों को दुआ देना चाहिए। जिनको गाड़ियां नहीं मिली उनको दूसरों पर एतराज नहीं करना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि जिसके मुकद्दर का उसको मिला है। अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, वो अल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर चीज अता करेगा। तकसीम के इस मौके पर जमीयत उलमा के खिदमत गुजार हाफिज और शहर के मुअज्जिज़ीन शुरू से आखिर तक मौजूद थे। खासतौर पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद असाहिब हाशमी, नासिर मदरसा मुअज्जिज़ीन जबल, सदर जमीयत उलमा बोधन, हाफिज मोहम्मद मोहसिन, हाफिज मोहम्मद फेरोज खान, हाफिज मोहम्मद ख्वाजा, आबिद एडवोकेट सैयद जाकिर, सैयद समीर, एजाज खान साबिक काउंसलर, आबिद काउंसलर, शेख अब्दुल सत्तार वेल्डर, मतीन मौलवी टीआरएस फायर, अलहाज अब्दुल रज्जाक सोनी ट्रेडर्स, अलहाज सैयद सादुल्ला सदर हज कमेटी बोधीगर मौजूद थे। हनुमान जयंती यात्रा के बंदोबस्त में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन में सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की जानिब से पानी के बोतलों की तकसीम। शहर इस्लामाबाद में हनुमान जयंती यात्रा का बड़े पैमाने पर जुलूस के इनेकाद पर महकमा पुलिस की जानिब से निजामाबाद में जबरदस्त बंदोबस्त रखा गया। जगह जगह पुलिस तैनात की गई। ऐसे मौके पर तेज धूप में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारान के पास सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस पहुंचकर अपने हाथों से पानी तकसीम किया। इस महीने की 9 तारीख को अखिल भारत यादव संगम की जानिब से महासभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें मेहमान खुसूसी रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन हिस्सा लेंगे। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में अखिल भारत यादव संगम की क्यादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें संगम सदर महिपाल यादव ने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 9 तारीख को यादव संगम की महासभा की मीटिंग मुनक्किद की जा रही। इस महासभा में यादव संगम के तमाम अफराद कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस महासभा को कामयाब करे। इस प्रोग्राम में रियासती सदर बाबूराव यादव, कौमी सेक्रेटरी लक्ष्मण यादव, रियासती सेक्रेटरी राजाराम यादव, सदर राजेंद्र यादव, मेहमान खुसूसी रियासती आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन हाजिर होंगे। वारी वारी बाध्यतलनु गुर्तेगि मरी खच्चितंगा अक्कड उन्नटुवंटि यादव सोदरुलंदर्नि तीसुकोच्चि कूडा इक्कड మీటింగ్ విజయవంతం చేయవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతూ, మరి సమయం కూడా రేపు ఒకరోజే ఉంది, దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా మనకు రాష్ట్రం నుంచి మన నాయకులు వస్తున్నారు, మరి అదేవిధంగా స్థానిక మా టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ మరి మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ కూడా మరి బీసీ నాయకులు వారు కూడా వారి కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది, కూడా వారిని కూడా ఆహ్వానించడం, వారు కూడా అది వస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి ఇట్టి మన యాదవ ఆత్మీయ సమావేశాన్ని అందరూ అన్ని మండలాల నాయకులు కాన్స్టిట్యూన్సీ నాయకులు జిల్లా నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఏకతాటి మీదకి వచ్చి వీళ్ళందరినీ కూడా మన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మరి మీటింగ్ను విజయవంతం చేయవలసిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। సాలూరా చెక్ పోస్ట్ కే కరీబ్ ఆర్టీసీ బస్ నే బైక్ కు టక్కర్ ది, బైక్ పర్ సవార్ కమ్ ఉమర్ లడ్కీ మౌకే పర్ హలాక్, పోలీస్ నే క్యా ముఖదమా దర్జ। सालुरा मंडल मुस्तकल में एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सालुरा के अहम शाहरा के चेक पोस्ट के करीब चौधरी ढाबे के सामने महाराष्ट्र आरटीसी डिपो की बस ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर सवार कम उम्र लड़की मौके पर हलाक हो गई। इस हादसे को देखकर मकामी अवाम के दिल दहल गए। मकामियों का कहना है कि आरटीसी बस की तेज रफ्तारी से ये हादसा पेश आया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रिलीफ फंड गरीब मरीजों के लिए बेहद कारामद, गरीब इस स्कीम से कॉर्पोरेट दवाखानों में म्यार इलाज करे हासिल, आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी। रेबर फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से बोधन के जरूरतमंदों में 50 थैला बंडियों की मास साजो सामान, सदर जमीयत उलमा बोधन अब्दुल हमीद साहिब के हाथों तकसीम। हर चीज की
जकात है और जिस्म की जकात रोजा है। माह रमजान मुबारक अल्लाह का मोमिनों पर बड़ा एहसान। दूसरा अशरा मगफिरत का, खूब मगफिरत तलब करे। सागरा मंडल चेक पोस्ट के करीब महाराष्ट्र आरटीसी बस ने दी बाइक को टक्कर। बाइक पर सवार मासूम लड़की जाबा, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे, तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल। रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ प्रवास टीवी पर।